दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और लू के दौर से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। शनिवार को भी इसका सितम जारी रहा था। IMD के मुताबिक दिल्ली में अभी तापमान 43 से 40 डिग्री के बीच रहेगा और बुधवार को अलग अलग इलाकों में यानी आज गंभीर लू चलेगी। साथ ही दिन में तेज हवाएं भी परेशान करेंगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है और साथ ही इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास 27.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं आज यानी दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज हवाएं चलती रहेंगी। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। नोएडा में आसमान साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम का अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है और यहाँ भी आसमान साफ ही रहेगा। बात करें अगर दिल्ली के प्रदूषण की तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब श्रेणी में 335 दर्ज हुआ है। नोएडा में 377 जबकि गुरुग्राम में तो यह गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ है और 403 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।